दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर दुहाई से साहिबाबाद के बीच सभी 5 स्टेशनों का काम तेज चल रहा है। इस कॉरिडोर के लिए बनाए जा रहे स्टेशनों में से सबसे ऊंचा स्टेशन मेरठ तिराहा पर बनेगा। यहां जमीन से 24 मीटर की ऊंचाई पर रैपिड रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। NCRTC ने इसका वास्तविक मॉडल जारी कर दिया है। यहां पर मेट्रो स्टेशन और फ्लाईओवर बने होने की वजह से NCRTC ने 24 मीटर ऊंचाई पर रैपिड रेल के लिए ट्रैक बनाने का निर्णय लिया है। पूरे ट्रैक के सबसे ऊंचे स्टेशन में प्रवेश और निकास के 3 दरवाजे होंगे, जिनमें से एक दरवाजा GT रोड पर मोहननगर से लालकुआ की तरफ और दूसरा दरवाजा लालकुआ से मोहननगर की ओर जाने वाले रास्ते पर खुलेगा। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के हिस्से पर मार्च 2023 में रैपिड रेल चलाई जानी है। इसमें से 4 किलोमीटर ट्रैक का बेस तैयार हो गया है, जबकि 550 पिलर बन गए हैं। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशन के फाउंडेशन का काम पूरा हो गया है। अब पटरियां बिछाने का काम जल्द शुरू होगा। मेरठ तिराहा स्टेशन पर यात्रियों को फुटओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ियों और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। रैपिड के स्टेशन से शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के बीच फुटओवर ब्रिज बनेगा। स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर और अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान करने का उद्देश्य लेकर बनाए जा रहे गाजियाबाद स्टेशन के लिए NCRTC IGBC सर्टिफिकेट की उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। स्टेशन के अंदर और आसपास लोगों और वाहनों की व्यवस्थित आवाजाही के लिए ट्रैफिक इंटीग्रेशन डिजाइन तैयार किया जा रहा है। स्टेशनों को भीड़भाड़ मुक्त बनाने के लिए NCRTC की ओर से यात्रियों को छोड़ने और ले जाने वालों के लिए विशेष पिकअप और ड्रॉप जोन बनाया जाएगा। न्यूज़ डेस्क।